असलम फ्रेंड्स दिस इज़ सादिया राना आई एम मोटिवेशनल स्पीकर सर्टिफाइड एन एल पी ट्रेनर आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त है आप इसको ग़ौर से सुने और समझने की कोशिश करें और एंड तक देखें ये बड़ी ही यूज़फुल है वीडियो है कि हम अपनी नेगेटिव थाट्स को ब्रेक कैसे कर सकते हैं पहले सबसे तो मैं आपको बताऊँ कि आपको ज़िंदगी में लेस पोस्ट हमारी ज़िंदगी में हर बंदे के कुछ ना कुछ टारगेट्स होते हैं हमने वो टारगेट्स अचीव करने होते हैं रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने होते हैं चाहे वो बिज़नेस में है, हैं चाहे कोई स्टूडेंट के टारगेट्स हैं चाहे कोई हाउस वाइफ के हैं हर एक के टारगेट्स होते हैं उसने वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने होते हैं रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने के लिए उस तरह के एक्शनस होने चाहिए कुछ एक्स्ट्राऑर्डनरी एक्शन होने चाहिए उस तरह का बिहेवियर होना चाहिए और हमें से हर कोई उस तरह के कामयाब होने के लिए अच्छे अच्छे एक्शंस कर सकता है लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम कर क्यों नहीं पाते हम अपनी इमोशनल स्टेट की वजह से ये कर नहीं पाते यानी हम मैं स्टेट के बारे में आपको बताऊँगी ये वो स्टेट नहीं है जो आ, अमेरिका की स्टेट मतलब ये वो माइंड की स्टेट के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि हमारी जहन की जो कैफियत होती है जिसमें हर वक्त कभी स्ट्रेस चल रहा होता है कभी इंजाइटी होती है फ़ियर ऑफ़ फेलियर होता है और uh, कभी डर होता है कोई मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ियर्स होते हैं या मुश्किल होती हैं उस उस उसकी वजह से हमारी जहन की कैफियत हो जाती है और वो जहन की कैफियत की वजह से हमारे रिजर्ट्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते इनफैक्ट और वो क्यों नहीं हो रहे होते उसको मैं बताती हूँ जैसे हम जिस जिस कैफियत में होते हैं उस कैफियत के मुताबिक हम, हम हमारा बिहेवियर होता है तो अगर हम स्ट्रेस uh, में होंगे परेशानी में होंगे तो फिर हमारा बिहेव भी अप्रोप्रिएट नहीं होगा कि रिज़ल्ट को प्रोड्यूस कर सकें तो फिर टारगेट्स अगर अचीव करने हैं रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने हैं तो फिर हम लोगों को कहाँ काम करना पड़ेगा ताकि हमारे एक्शन और बिहेवियर अच्छे हों कि हम टारगेट्स अचीव करें हम इमोशनल स्टेट के ऊपर काम करना पड़ेगा और इमोशनल स्टेट जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस है एन्जाइटी है कोई किसी किस्म की भी परेशानी है जो अक्सर उकात हम लोगों के जेनों में होती है जिसकी वजह से हम रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि ये प्रोड्यूस इसकी सबसे आप थाट है एक वो चीज़ जिसकी वजह से बेसिकली ये इमोशनल स्टेट क्रिएट होती है जो जिस तरह की हम सोचते हैं उस तरह से फ़ील करते हैं इस मैंने अभी अपने स्टूडेंट्स को एक लेक्चर दिया था ये कोरोना के इश्यू से पहले ये पूरा एक, एक बड़ा ही एक घंटे का अप्रोप्रिएट लेक्चर था मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी कि ये एक साइकिल है सबसे पहले थाट्स क्रिएट होती हैं उसके बाद वो फीलिंग में कन्वर्ट होती हैं और फीलिंग एटीट्यूड बनता है और एटीट्यूड एक्शन बन जाता है और यही एक्शन जो है बार बार रिपीट करने की वजह से हम लोगों की हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है और वही गुड या बैड हैबिट्स का जो बहुत ज़्यादा बंडल ऑफ हैबिट्स जो होती हैं वो हमारी पर्सनालिटी बेसिकली बन जाती हैं और पर्सनालिटी ही डिसाइड करते हैं कि हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे या अनसक्सेसफुल होंगे इसको इस एग्जांपल से समझाते हैं कि फ़ॉर एग्जांपल एक बंदे को गाड़ी परचेज करनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा उसको एक थॉट uh, क्रिएट की उसने पॉजिटिव थॉट कि मैं एक गाड़ी परचेज करूँगा तो वैसे ही उसकी फ़ीलिंग डेवलप में हुई कैसी फीलिंग एक्साइटमेंट वाली इंजॉय जॉयफुल बड़ी अच्छी सी फीलिंग डेवलप हुई फिर उसका एटीट्यूड भी उसी तरह हुआ उसने कहा प्लान किया कि भाई मैं आ, अगर मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा कुछ एक्स्ट्रा तो उसे पता चला कि उसे क्या एक्स्ट्रा कोई जॉब करनी पड़ेगी या कोई ट्यूशन्स लेनी पड़ेगी या एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा जिससे वो मनी जनरेट कर ले और गाड़ी परचेस कर ले फिर उसने क्या किया उसने एक्शन किया उसने वो कोई पार्ट टाइम जॉब कर ली कोई ट्यूशन्स ले ली जिसकी वजह से वो पैसे क्रिएट हो गए और उससे क्या हुआ कि उसने जो एक्शन किया उससे रिजल्ट प्रोड्यूस हो गए अब उसकी हैबिट बन गई है उसको पता चल गया है कि अब मैं जब भी कोई पॉजिटिव काम करूं तो इस तरीके से मैं कर सकता हूं तो अब वो इसकी हैबिट बन गई वो पॉजिटिवली ही सोचता है कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव और क्रिएटिव चीज़ें उसके जहन में आती है तो एक वो हैबिट्स जो है उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बनगी तो फिर वो मल्टीपल हैबिट्स को यूज़ करेगा यानी मल्टीपल पॉजिटिव हैबिट्स जब उसकी लाइफ में इस्तेमाल होंगी तो वो एक कामयाब बंदा बनेगा सक्सेसफुल बंदा बनेगा तो ये इस तरह से ये थॉट से आपकी कामयाबी या नाकामी होती है तो फिर हम स्टेट की बात करें स्टेट अगर आप चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपकी माइंड की स्टेट या इमोशनल स्टेट को या थिंकिंग को जो नेगेटिव है उसको ब्रेक कैसे करें तो इसके लिए फिजियोलॉजी चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी का मतलब होता है बॉडी लैंग्वेज बॉडी आपकी फिजियोलॉजी आपको पता है कनेक्टेड होता है होती है न्यूरोलॉजी के साथ अगर हम फिजियोलॉजी चेंज करते हैं न्यूरोलॉजी चेंज होते यानी अगर हम अपने बॉडी का पोस्चर चेंज करें कोई उस तरह का करें जो कि रिक्वायर्ड है अभी मैं बताने वाली हूँ उसकी तफसील तो उस तरह से हमारे माइंड पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा और हम टोटली totally हमारा माइंड भी उसी तरीके से चेंज होगा फिजियोलॉजी चेंज करने का मत, मतलब ये हुआ है कि लसपोस अभी आप आ, सोचें कि जब आप परेशान होते हैं तो आपकी क्या सिचुएशन होती है आप आ, आपकी आवाज़ टोन बहुत लाइट होती है आप फास्टली नहीं बात कर रहे होते शोल्डर आपके डाउन होते हैं हेड भी नीचे होता है और अगर आप चल रहे हैं बहुत आहिस् आहिस् चल रहे होते हैं और सर नीचे करके मायूसी की कैफियत में होते हैं तो अगर आप वो वाला टाइम रिमाइंड रिकॉल करें अपने माइंड में जब आप बहुत ही खुश थे अपनी लाइफ में जब आपने बहुत ज़्यादा प्राउड फील किया अपने आप में यू वर वेरी कॉन्फिडेंट आपको कोई आ, आ, कोई गिफ्ट मिला या कुछ ऐसा टाइम था जो आपका ज़िंदगी का बेस्ट टाइम था अगर वो टाइम रिकॉल करें तो आप देखें कि उस वक्त आपका क्या सिचुएशन थी क्या था आपका सर बिल्कुल उठा हुआ और चेहरे पे स्माइल थी आपकी ब्रीदिंग कैसी थी ये सब अगर नोट करें और आपने क्या करना होगा जिस नेक्स्ट टाइम से जब आप किसी इमोशनल स्टेट यानी किसी परेशानी में हो या मुश्किल में हो या स्ट्रेस में हो सडनली आपने अपनी लाइफ का आ, वो वाक्य याद करना है जो कि बहुत बहुत ज़बरदस्त आपकी लाइफ में था आप अपनी आंखें बंद करें दो मिनट के लिए आप उस वाक्य को सोचें और जिस तरह से उस वक्त आप ब्रीथ कर रहे थे जिस तरह आप सांस ले रहे थे उस तरह से आप सांस लें जिस तरह से आप खड़े थे वही पोस्चर में आप खड़े हो जाएं और अगर टाइम ऐसा होता है ना कि जब हम आ, आ, हमें कोई खुशी की बात होती है तो हम कोई ना कोई वर्ड भी मुंह से निकलता है हुर्रे और समथिंग लाइक दैट तो वो हुर्रे भी बोले और बिल्कुल फ़ील करें कि आप उसी स्टेट में हैं तो फौरी तौर पे अगर आप वो रिकॉल करेंगे मेमोरी और अपने आप पे ऐसे परफॉर्म करें कि जैसे आप ही उसमें हैं तो फ़ौर आपकी वो स्टेट डिवेलप uh, हो जाएगी आप बिल्कुल माइंड uh, में भी आपकी क्योंकि फिजियोलॉजी का इफ़ेक्ट होगा न्यूरोलॉजी पे और जैसे ही आप अपना पोस्चर अपनी ब्रीदिंग अपना टोन ये सब उस तरह से चेंज करेंगे जैसे फास्टली बोल रहे थे जैसे फास्टली चल रहे थे या जो भी तो आप बिल्कुल वैसे पॉजिटिव फील करना शुरू हो जाएंगे आप सम टाइम जस्ट आप हमेजिन करने के लिए अभी अगर आप मेरी वीडियो देखने के बाद अपनी फेवरेट एक्टर या फेवरेट एक्ट्रेस की तरह खड़े हो जाएं जैसे वो जस्ट फील अबाउट कि आप वही हैं या आपका कोई सुपरमैन है कोई वंडर वमैन है उसकी तरह आप खड़े हो जाएं उसी की तरह देखना शुरू कर दें उसी तरह आप अपने हाथ रख लें और वही मोमेंट आपकी यानी जैसे ही आप अपनी फिजियोलॉजी चेंज करेंगे वो आपके माइंड पे इफेक्ट करेगी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो थी एक्चुअली अभी तक मैं वीडियोज़ को बिल्कुल घर में बना रही हूँ इसलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आपको लग रहे होंगे या आपको लग रहा होगा कि वो क्वालिटी वही से उस तरह नहीं है इंशाल्लाह वेरी सुन मैं आपके साथ बहुत अच्छी वीडियोस के साथ आने वाली हूँ और बहुत बहुत नई टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूँगी और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो सो नाइस ऑफ शू अल्लाह हाफिज़ प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इंशाल्लाह फिर दोबारा मिलते हैं टेक केयर अल्लाह हाफिज़